वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। अब हम देख रहे हैं है ना, यील्ड इन एन ओपन वेल। ठीक है, ओपन वेल देखा होगा आपने गांव में कैसे रहते हैं ओपन वेल। हाँ, ओपन वेल हमारे कुछ ऐसे रहते हैं, बड़े से गोल रहते हैं या फिर सर्कुलर रहते हैं, है ना, जिससे हम पानी निकालते हैं गांव में, आजकल शहरों में भी होते हैं, है ना। पहले यहाँ पानी आराम से मिल जाया करता था, है ना, अब आजकल ट्यूबवेल खुद जाते हैं। तो अभी ओपन वेल भी देखते हैं हम। ओपन वेल में क्या होता है, इसका यील्ड निकालने के लिए दो टाइप के टेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, या तो आप पंपिंग टेस्ट कर लो या फिर रिकुपरेशन टेस्ट कर लो। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पंपिंग टेस्ट। फर्स्ट हम देखेंगे पंपिंग टेस्ट। पंपिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपका वेल है, ठीक है, इसमें मान लो शुरू में यहां तक था पानी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा ज्यादा पानी निकाल दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, थोड़ा ज्यादा पानी निकाल दूंगा। क्यों पानी निकाल दूंगा, तो ये जो है ये लेवल कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, और इसका हेड क्या होगा, एच हेड कम हो जाएगा, है ना। इसका हेड क्या हो जाएगा, एच हेड कम हो जाएगा। इसी एच हेड को मैं बोलूंगा डिप्रेशन हेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन हेड। ठीक है, या आप इसको ड्रॉ डाउन है, ये और कुछ नहीं है, ड्रॉ डाउन कम होता है लेवल, तो हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ डाउन। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं डिस्चार्ज प्रपोर्शन है एच के, है ना, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, तो डिस्चार्ज हमारा प्रपोर्शनल है किसके, एच के बोल सकते हैं आप, है ना। तो हमने पानी निकाल लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब ये ओपन वेल रिचार्ज भी हो रहा होगा नीचे से कहीं से, है ना। ये ओपन वेल पानी कहाँ से आता है, इनमें बारिश का पानी रहता है क्या, नीचे से रिचार्ज होते हैं ना, तो ये रिचार्ज भी हो रहा होगा। तो हमने जब पहले बड़ी क्वांटिटी निकाल ली, अब थोड़ी सी क्वांटिटी बची है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस रेट से निकालेंगे जिस रेट से ये रिचार्ज हो रहा है। मतलब मैं ये लेवल जो है ना एच टेस्ट, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। पहले मैंने क्या किया, बहुत सारा पानी निकाल दिया, फिर ये एक लेवल पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं उतना ही पानी निकाल रहा हूं जितना ये रिचार्ज हो रहा है, मतलब मैं वो कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके चल रहा हूं, ठीक है। तो आपको यील्ड पता चल जाएगा, अगर आप वो कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके चलोगे, तो जितना आप पानी निकाल रहे हो वही क्या है, यील्ड है, मतलब वही क्या है, इसको रिचार्ज कर रहा है, उतना ही पानी इसका डिस्चार्ज बता रहा है, ठीक है, जो जितना आप निकाल रहे हो, क्योंकि ये लेवल आप मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाता है हमारा Q इज इक्वल्स टू के नॉट एच, ठीक है। और ये के नॉट एच क्या हो गया, एच तो हेड हो गया, बताया मैंने आपको, डिप्रेशन हेड बोलते हैं इसको। के क्या होगा, के नॉट होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है। के नॉट क्या होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी किसको बोलते हैं हम, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, ठीक है। मतलब कि एक एक यूनिट जो गिर रहा है ना, उसका डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसी को हम बोलेंगे के नॉट स्पेसिफिक कैपेसिटी। ये क्या बताता है, ये आपका परफॉर्मेंस ऑफ द वेल बताएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, मतलब अगर एक यूनिट ड्रॉडाउन कम हो रहा है तो डिस्चार्ज कैसा है, ठीक है, वही बता रहा है आपको। तो यही क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। किस पे डिपेंड करेगी ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्विफर, है ना। एक्विफर अगर जल्दी जल्दी रिचार्ज होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। और डिपेंड करता है कि एरिया कितना है वेल का, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्लियर है आपको, क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, क्यू इज इक्वल्स टू के नॉट एच। तो ये टेस्ट लेकिन परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको क्या पता कि किस रेट से आ रहा है पानी, तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए सुपरविजन बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने एक और टेस्ट बनाया है जिसको बोलते हैं रिकुपरेशन टेस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, रिकुपरेशन टेस्ट। लिख देते हैं हेडिंग हम,
रिकुपरेशन टेस्ट, ठीक है। चलो रिकुपरेशन टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा वेल है ना, गए हो कि नहीं आप लोग कभी गांव आओ, है ना, गांव में देखा होगा वेल, ठीक है। ये वेल है, इसमें मान लो यहां पे था अभी लेवल पानी का, पानी का लेवल कहाँ था, इस पे था कुछ, है ना, कोई हाइट थी यहाँ पे, ठीक से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ हाइट पे था, अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा पानी निकाल दिया, ठीक है। शुरू में हमने क्या किया, बहुत सारा पानी निकाल लिया, ठीक है। तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कुछ, यहाँ पे आ गया लेवल, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यहां से यहां तक के लेवल को अपन बोल देते हैं H1, ठीक है। ये हो जाएगा H1 लेवल है ये कोई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले निकाल दिया हमने कुछ क्यू क्वांटिटी पानी, है ना, जो पानी यहां पे था वो लेवल अब यहां पहुंच गया H1 में। उसके बाद जैसे ही H1 पहुंचा, निकालते निकालते उसके बाद मैंने क्या किया, स्टॉप वॉच को चालू कर दिया, ठीक है, स्टॉप वॉच चालू कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पानी अपने आप को रिचार्ज करेगा वेल, है ना, पानी हम निकालना छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेगा, रिचार्ज तो वो करते ही जा रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से पानी आते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये H1 हाइट कब आएगी, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो मैंने टाइमर चालू किया था। उसके बाद क्या होगा, वो कुछ टाइम लेगा वापस इस लेवल तक आने के लिए, तब तक मैं पानी नहीं निकालूंगा, ठीक है, तब तक मैं पानी नहीं निकालूंगा। तो वो कितना टाइम ले सकता है, वो मान लो ले रहा है टाइम TR, ठीक है। अब हाइट हो गई है H2 एट टाइम TR, ठीक है। तो देखो आपको हेड भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, आप यहां से निकाल सकते हो यील्ड कितना है ना, या इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मेरे को पता है कि ये क्या है, Q इज इक्वल्स टू के नॉट एच, है ना। लेकिन अगर मैं किसी टाइम डेल्टी के लिए, है ना, अगर टाइम डेल्टी दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q डेल्टी इज इक्वल्स टू के नॉट एच डेल्टी, ठीक है। तो देखो अगर Q डिस्चार्ज टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, तो इसके लिए हम यूनिट देख लेते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब अपॉन टाइम, या वॉल्यूम अपॉन टाइम बोल सकता हूं मैं, अगर एकदम बेसिक जाऊं तो मैं यहां बोल सकता हूं वॉल्यूम अपॉन टाइम, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, और अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास, वॉल्यूम, सिर्फ क्या बचेगा, वॉल्यूम। तो मैं इस क्यू डेल्टी को क्या लिख सकता हूं, मैं इस क्यू डेल्टी को लिख सकता हूं ए, ए क्या हो गया, एरिया ऑफ द वेल, ठीक है, और डेल्टी क्या हो गया, उस टाइम में जो हेड का चेंज होगा, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं मैं, है ना, डेल्टी ये हो गया। अब मैं इस वॉल्यूम को लिख सकता हूं ए इंटू डेल एच, एरिया क्या हो गया, ए क्या हो गया, एरिया ऑफ द वेल, और डेल एच क्या हो गया, हाइट ऑफ द एक्विफर जो टाइम में चेंज आया है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला है ना। क्यू इंटू डेल्टी मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना निकला है वेल से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना निकला है, क्यू ए इंटू डेल एच, एरिया ऑफ द वेल और हाइट ऑफ द वेल जो कम या ज्यादा हुई है, ठीक है। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, ठीक है, और यहां पे हम लिख देंगे, यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा के नॉट एच डेल्टी, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए डी एच इज इक्वल्स टू के नॉट एच डेल्टी, है ना, डेल्टी ले लेते हैं dT, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब डेल एच और ए एच एक तरफ ले जाते हैं, डेल्टी एक तरफ ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन, डेल्टी इज इक्वल्स टू के नॉट, है ना, ए डी एच, है ना, डी एच अपॉन एच, और ये के नॉट भी कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अपॉन के नॉट, ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे हम, ठीक है।
अब अगर मैं इस टाइम को इंटीग्रेट कर देता हूँ जीरो से लेके टी आर तक, और इस हाइट को भी इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक, एच वन से, सॉरी एच टू से एच वन तक, ठीक है, क्योंकि एच टू कम होगा एच वन ज़्यादा होगा, ठीक है, एच टू से एच वन तक, ठीक है। आ गया हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। चलो तो ये देखो क्या बन गया, आप अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल्टी को, इंटीग्रेट कर रहा हूं सॉरी जीरो से टी आर तक, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टी आर, टी आर लिख सकता हूं मैं यहां पे, टी आर इज इक्वल्स टू के, सॉरी ए अपॉन के नॉट, है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा एल एन एच वन अपॉन एच टू, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो के अपॉन सॉरी के नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी आर एल एन एच वन अपॉन एच टू, और ये एच वन और एच टू क्या है, ये ड्रॉडाउन ही तो है, पानी जो कम हो रहा है वही तो है, ये है कि नहीं। चलो और ये के नॉट अपॉन के नॉट क्या बताता है, अभी बताया था मैंने आपको के नॉट क्या बताता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है। तो ये वाला चीज क्या बताएगी, के नॉट अपॉन ए क्या बताएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ द वेल, क्या बताएगा मुझे, के नॉट अपॉन ए, के नॉट अपॉन ए क्या बताएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ द वेल, ठीक है, कि हमारा जो ड्रॉडाउन हो रहा है, ये क्या बता रहा था, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन एरिया में कितना हो रहा है पूरा, ठीक है, सब कुछ आ गया आपके पास। अब अगर मुझे डिस्चार्ज का फॉर्मूला यहां से बनाना है तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू के नॉट अपॉन ए इंटू ए, बात वही है ना, के नॉट अपॉन ए इंटू ए, क्योंकि ये क्या था, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया इंटू ए इंटू जितना भी ड्रॉ डाउन हुआ हो। अब यहाँ पे आपको एच से भी लिख सकता हूँ मैं, या तो एस से लिख दूंगा, है ना, जो आपको सिंपल लगे। तो मैं यहाँ अभी एच लेके चल रहा था, तो यहाँ हम ड्रॉ डाउन को एच लेके चल रहे हैं, और ये एच भी ड्रॉ डाउन ही है ना, क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है, पानी कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ डाउन ही तो बोलते हैं, बस हेड हो गया कम, है ना, तो कम हेड को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ डाउन। आप अगर सिंपली चाहो तो इसको S1 S2 भी लिख सकते हो समझने के लिए, यहाँ पे भी S1 S2 आ जाएगा और यहाँ पे भी S आ सकता है, लेकिन हम शुरू से H लेके चल रहे थे इसलिए मैंने H ही लिया, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो ये बन गया, ये क्लियर है चीजें, तो ये आ गया आपका रिकुपरेशन टेस्ट का फॉर्मूला, और वो हमारा क्या हो गया, पंपिंग टेस्ट, सिंपल था पंपिंग टेस्ट का, एक बार बता रहा हूँ आपको, रिव्यू दे रहा हूँ पूरा रिवीजन। पहले क्या किया, पूरा ज्यादा क्वांटिटी क्यों निकाल दिया हमने, तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा बचा है क्वांटिटी डिस्चार्ज हेड की, है ना, उसके बाद हम उतना ही निकाल रहे हैं जितना वो यील्ड हो रहा है, मतलब ये कैसा है, कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट जैसा ही है, ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट, ये हो गया आपका फॉलिंग हेड टेस्ट, ठीक है। कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट में हम एक कॉन्स्टेंट हेड मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है, उतना ही पानी निकाल रहे हैं कि लेवल इससे ज्यादा नीचे ना आए, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं हम, ये तो था डिप्रेशन हेड, ये बन जाता है क्रिटिकल हेड, कब बन जाएगा, जैसे मान लो मैंने शुरू में पानी निकाला, तो आपने शुरू में मान लो पूरा ही निकाल डाला, ठीक है, क्या किया, पूरा ही निकाल डाला, तो क्या हो जाएगा, नीचे जो सॉइल है वो भी पानी के साथ ऊपर आने लग जाएगी, है ना, सॉइल पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, डिसलॉजिंग हो जाएगी, डिसलॉजिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तो इस हेड को हम क्या बोलते हैं, इस हेड को बोला जाता है क्रिटिकल हेड, क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल हेड, ठीक है, कब, जब ये पूरा ही पानी निकालना चालू कर दे, तो इतना टाइप हमको नहीं पहुंचना है, नहीं तो क्या होगा, आपका पूरा वेल की जो नीचे की सॉइल है वो भी क्या हो जाएगी, पंप होने लग जाएगी उसके साथ, ठीक है, तो क्रिटिकल हेड तक हमको नहीं जाना है, और अगर गए भी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जो डिस्चार्ज होगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे क्रिटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, क्रिटिकल डिस्चार्ज,
या फिर उसको मैं मैक्सिमम डिस्चार्ज भी बोल सकता हूँ, है ना। मैक्सिमम डिस्चार्ज, उससे ज़्यादा पानी आप नहीं निकाल सकते, तो उसको हम मैक्सिमम डिस्चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, कि आपके डिसलॉजिंग ना हो जाए सॉइल के, ठीक है। तो वो क्रिटिकल हेड से मैं आधा ही निकालूंगा पानी, ठीक है, पूरा निकालने की कोशिश हम नहीं करेंगे, क्लियर है। ओपन वेल और रिक्यूपरेशन टेस्ट में क्या बताया मैंने आपको, कि पहले हमने पूरा पानी निकाल दिया, फिर वेट किया कि उसने कितना टाइम लिया वापस उतना रिकवर करने में, ठीक है। फिर जो टाइम लिया उसका फॉर्मूले में डाल के हमने ये निकाल लिया डिस्चार्ज, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द, चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक ठो, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द रिक्यूपरेशन टेस्ट ऑफ अ 4 मीटर ओपन वेल, अ रिक्यूपरेशन ऑफ अ डिप्रेशन हेड फ्रॉम 2.5 मीटर टू 1.25 मीटर वॉज फाउंड टू टेक प्लेस इन 90 मिनट्स, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहले क्वेश्चन में देखो डाया दिया हुआ है आपको, है ना। तो डाया ऑफ द वेल कितना है, 4 मीटर, ठीक है। तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 × 4² है ना, यही होता है। कैसा वेल है देखो, लिखा है कहीं पे सर्कुलर वेल हम मान के चल रहे हैं ना, ओपन वेल है तो सर्कुलर ही होगा, है ना। डाया भी दिया हुआ है तो सर्कुलर ही है ऑब्वियसली, ओपन वेल 4 मीटर ओपन वेल, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 × 4² तो ये हो जाएगा 12.5663 ले लेते हैं, ठीक है, 64 ले लेते हैं, चलो 12.5 कितना था, 5664, ठीक है, 5664 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया मेरे पास, है ना। पूछ क्या रहा है आपको पहली बार, अच्छा ये टाइम भी लिख लेते हैं, और क्या दिया हुआ है देखो, डिप्रेशन हेड फ्रॉम 2.5 मीटर टू 1.25 मीटर, ठीक है। डिप्रेशन हेड कितना पहुंच गया, तो H1 कितना है मेरे पास, H1 है मेरे पास 2.5 मीटर, और H2 कितना है, 1.25 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लगा, TR 90 मिनट्स, ठीक है। आवर में लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं, 1.5 आवर्स, ठीक है। लिख दिया अभी तक हमने जो डाटा हमको गिवन था, रिक्यूपरेशन टेस्ट है मतलब पहले क्या हुआ, पानी निकाल लिया पूरा, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, ठीक है। पानी निकाल लिया पूरा, उस कहां तक पहुंच गया, पूरा नहीं, कहां तक हाइट पहुंच गई पानी की, 2.5 मीटर गिर गई। फिर उसके बाद दोबारा उसमें पानी रिचार्ज हुआ, आया, है ना, कहां से आएगा पानी, ग्राउंड वाटर से आएगा। फिर उसका हेड कितना हो गया, 1.25, और कितना मिनट लगा ये रिचार्ज होने में, 1.5 घंटा, ठीक है, 90 मिनट लगे। निकालना क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ, पर यूनिट वेल एरिया, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है के नॉट डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू 1/TR ln H1/H2, ठीक है, यही निकालना है मुझे। बताया था आपको स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट वेल एरिया, है ना, पर यूनिट एरिया ऑफ वेल बोल सकते हो या वेल एरिया। तो यहां पे देखो TR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.15, है ना, ln 2.5 अपॉन 1.25, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम कितना निकल के आ रहा है यहां पे, है ना। तो देखो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? तो ये निकल के आएगा आपके पास, ये निकल के आ रहा है 1 अपॉन 1.5 इंटू एल एन 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25, है ना। तो ये निकल के आ रहा है 0.462, कितना निकल के आ रहा है, 0. है ना, इसको हम के एस भी बोल सकते हो आप, के एस इज इक्वल्स टू के नॉट अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.462 आवर इनवर्स, क्योंकि टी आर किस में था, आवर में था, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, आवर इनवर्स, क्योंकि बाकी कोई यूनिट बच रहा है क्या इसका,
बाकी कुछ यूनिट बच पा रहा है क्या इसका? अंदर देखोगे तो 1/TR ही बच रहा है बस, ठीक है। चलो तो पहला आंसर तो आ गया हमारा। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट मुझे निकालना है यील्ड ऑफ द वेल फॉर अ सेफ ड्रॉडाउन ऑफ 2.5 मीटर, ठीक है। कितना निकालना है? 2.5 मीटर। चलो तो आपको यहां पे मैंने डिस्चार्ज का भी फॉर्मूला बताया था कि डिस्चार्ज क्या हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इंटू हेड। डिप्रेशन हेड कितना है, ड्रॉडाउन कितना है? 2.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 0.462 इंटू एरिया कितना है हमारे पास, एरिया मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, 12.5664 इंटू एच कितना है मेरे पास, एच की हाइट है 2.5, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम क्यू कितना आ रहा है मेरे पास। चलो क्यों निकाल लेते हैं, क्यों देखो कितना आ रहा है, 0.462 इंटू 12.5664 इंटू 2.5, तो ये निकल के आ रहा है 14.514, ठीक है। कितना निकल के आ रहा है, 14.514 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। पहले दूसरा आंसर भी आ गया, इसको आप कर दो ए, है ना, इसको हम कर देते हैं ए, इसको हम कर देते हैं बी, और अब निकालेंगे सी, है ना, सॉरी 1, 2, 3 था, ए बी सी कर दिया, कोई नहीं, है ना, याद रखेंगे, बात तो वही है ना, बेसिक पे जाएंगे। व्हाट वुड बी द यील्ड फ्रॉम वेल ऑफ 5 मीटर, है ना, व्हाट वुड बी द यील्ड ऑफ वेल 5 मीटर फॉर अ ड्रॉडाउन ऑफ 2.25 मीटर, ठीक है। अगर वेल का डाया 5 मीटर हो और उसका ड्रॉडाउन 2.25 हो, इसमें आपको ये नहीं बोला है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, वही है स्पेसिफिक कैपेसिटी, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो हम वही लेके चलेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी जो पहले थी, बस क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ दिया था पाई बाई फोर, है ना, वही लगाएंगे हम, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई फोर, डी अब कितना हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है, डी कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये हो जाएगा देखो पाई बाई फोर, है ना, इंटू क्या करूंगा मैं, 5 का स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है 19.63495 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 ले ले रहा हूँ, ठीक है, 49 आ रहा है तो हम 5 ले रहे हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं डिस्चार्ज निकालना चाहूँगा तो क्या करूँगा, 0.462 इंटू 19.635 इंटू डिप्रेशन हेड कितना है हमारे पास, डिप्रेशन हेड है 2.25, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिस्चार्ज क्या निकल के आ रहा है, 0.462 इंटू 19.635 इंटू 2.25, तो ये निकल के आ रहा है 20.41 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये पर सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे भी पर सेकेंड नहीं होगा, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज कैसे आ जाएगा भाई, ये तो पर आवर होगा, क्यों, क्योंकि ये किस में दिया है, ये किस में है मेरे पास, आवर इनवर्स में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पर आवर, ठीक है, इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना, ये सब तो हमको कहाँ देखने को मिलता था, इतने ज़्यादा डिस्चार्ज या इससे भी और ज़्यादा डिस्चार्ज हमको फ्लड में दिखता था, ग्राउंड वाटर में इतना ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं आता, इसलिए मीटर क्यूब पर आवर होगा ये, ठीक है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है, गलतियों से सीखता है इंसान। चलिए तो ये बन गया हमारा प्रॉब्लम, सिंपल तीनों चीज़ें थी, है ना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।